सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी और वेलकम टू गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है और मैं आपको दिखा दूँ कि मैं हूँ फिलहाल महरौली में, जो कि लाडो सराय के सामने है। पीछे अगर देखेंगे तो ये लाडो सराय है और यहाँ पर रामनाथ हाउस ये जो दिख रहा है, ये अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पर मेरे साथ में धांडे सर और सुजय सर दोनों हैं, बात करते हैं उनसे। तो पीछे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा ध्यान से देखेगा, आपके पास ये ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर दिख रहा है आपके पास अन अकेडमी और अन अकेडमी का ये जो सेंटर है। यहाँ पर जस्ट हम हैं दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर में, द फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी। और मेरे साथ है यहाँ पर सुजय सर, सुजय सर से बात करते हैं। तो सुजय सर, कैसा लग रहा है आपको ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में आके? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है और यहाँ पे आके मैं जो स्टूडेंट से मिला और लोकेशन का, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। जैसे कि अभी पता चला कि मतलब लाडो सराय यहाँ पे है और पूरा जो गेट का माहौल है दिल्ली का, वो यही सेंटर के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पूरा आपको गेट का माहौल यही मिलेगा। और हमारे साथ में है यहाँ पर उमेश धांडे सर, तो सर से जानते हैं सर, एक्साइटमेंट जो दिल्ली में क्लास लेने का, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं दिल्ली में पहले भी। एक्चुअली क्या, मैं वही याद कर रहा था, इनका ये जो रोड है ना, ये वही रोड है, यहाँ से लाडो सराय है और इस गली से फिर हम लोग यहाँ से मैं आता था और फिर यहाँ से मैं मुड़ के जाता था, तो ये भी क्लास है। तो मेरे को जस्ट फील हो रहा है कि, और वो लगभग बात होगी 2014 की, आज से 9 साल पहले की बात होगी। चलेंगे तो वो वाला जो मेमोरी है, वो वाला पार्ट आया। और ऑफलाइन का जो मजा है ना, मतलब जब अभी जब हम अंदर खोदे के लिए गए और क्लासरूम जब बनी रहती है तो एक अलग ही फील होता है। और दिल्ली का तो अपना मजा है, दिल्ली में ऐसी भीड़ रहेगी, क्राउड रहेगा हमेशा, बच्चे लोग आते रहेंगे, ऐसे ऑटो से आते रहेंगे, फिर अपनी क्लास में जाएंगे, निकलेंगे बाहर, वो मजा आएगा। और देखिए आपके पास, और ये लोकेशन जो है, बहुत अच्छी है और लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ पे आने में। नहीं, नहीं, और मेरे अंदाज से जो स्पेस है, अंदर का भी जो स्पेस है ना, ये स्पेस भी बहुत है। तो उनको, आपको जब हम क्लासरूम भी दिखाएंगे, अभी तो हम बाहर ही खड़े हुए हैं, तो क्लासरूम भी दिखाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आप देखो उनके पीछे आने के लिए सेंटर क्लासेस फॉर गेट एंड ईएससी, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, अन अकेडमी सेंटर बहुत सारे होंगे, तो बच्चों को उनको बताना है कि आपको देखना है, यहाँ आएंगे तो क्लासेस फॉर गेट एंड ईएससी, क्लासेस फॉर गेट एंड ईएससी जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मेंशन कर देता हूँ सर, जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो महरौली जो लाडो सराय वाला एरिया है, यहाँ पर जो अन अकेडमी का सेंटर है वो गेट ईएससी के लिए ही स्पेशलाइज्ड, मतलब सिर्फ इसी के लिए। और रामनाथ हाउस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएससी का ही आपके पास क्लास होने वाली है। और सर अभी तो आज 17 तारीख है, कल रैंकर समिट होने वाला है, 19th के लिए थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि 19th को चाहिए कि सबके सब स्टूडेंट यहाँ पर आए और सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर से मिले। देखो अगर आप लोग, आप अगर दिल्ली में हो, दिल्ली के अराउंड में हो, और अगर आप दिल्ली से 200 किलोमीटर भी हो, तो मेरे को लगता है आप 19 को आपको आना है, मॉर्निंग 10 AM से चालू हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, IN हो, कोई भी ब्रांच हो, आपको आपको गाइडेंस के लिए चाहिए, आप गाइडेंस के लिए भी बात कर सकते हो। हम आपको जो 2024 है 25 उसके लिए भी गाइड करेंगे। तो ओवरऑल ना मेरे को लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इतने सारे लोगों से मिलने की, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इतने सारे एजुकेटर एक जगह पे, हम लोग कभी इतना आसान नहीं होता है कि सब एक जगह पे रहे, तो अभी एक ही जगह पे और फिजिकली आपसे मिल सकते हैं। तो मेरे को लगता है इस अपॉर्चुनिटी का आपको एडवांटेज लेना चाहिए। और जो लोग भी 2024-25 के लिए सोचे, उनको उनके लिए तो फिर हम आए रहे तो बड़ा मजा आएगा। और जो लोग भी स्पेशली मेरे से भी मिलना चाहते हैं, स्पेशली कुछ लोग होंगे जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, तो आप लोग आइए, आप लोग से बात हो पाएगी, 1-to-1 फ्रंट में ही बात हो पाएगी, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो फीलिंग तो जबरदस्त है, लेट्स सी, और पढ़ाने का जो मजा है ऑफलाइन में तो आएगा ही, है ना, तो मिस कर रहे होंगे, भी बहुत ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि उनका जो भी फेवरेट एजुकेटर होगा वो आज की डेट में अन अकेडमी में ही है, चाहे वो कोई भी ब्रांच वाले हो। तो आपके लिए बहुत, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा चांस है, आप इस चांस को बिल्कुल मिस मत कीजिए। 19 को तो एटलीस्ट आ ही जाइए, एंड देन आप जो भी डिस्कशन के हम लोग से मिलिए, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट यू। और 19 के लिए एक और चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन में स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ही है सिलेबस का पार्ट। तो आप कोई भी ब्रांच के हों, आपके लिए वो पेपर स्कॉलरशिप टेस्ट का रखा गया है, आप यहीं पर आएंगे इसी सेंटर में, आपको गाइड बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा कहाँ पर जाना है, और ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट आपको लिखना है। और आपको ना 100% स्कॉलरशिप लानी है, क्योंकि आप 200% स्कॉलरशिप करी गई है। और सर रिजल्ट कल आया है, और लगातार रिजल्ट जो है बच्चे भेज रहे हैं सर, तो
और अभी मेरे को लगता है कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि सबसे अच्छा जो रिजल्ट है, क्योंकि देखो पहले कंपटीशन हमारा और यूओ का ही होता था, गेट अकेडमी वर्सेस सन अकेडमी, अब तो हम एक साथ जब है तो पूरा रिजल्ट ही हमारे पास है, मैक्सिमम पूरा का पूरा रिजल्ट। हाँ एक दो जो रिजल्ट होते हैं आपके पास कि कोई किसी का AIR 3 किसी का AIR 5, एक दो रिजल्ट लोगों के पास हो सकते हैं, AIR 1 किसी के पास एक आधी आ गया, लेकिन अगर आप टॉप 100 का देखोगे, टॉप 200 का देखोगे, टॉप 300, टॉप 400, टॉप 500, आपको जितना भी आगे नंबर बढ़ाना है 600 700, मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास से दिखेगा। वन मोर थिंग कि जितने लोग भी पहले से गेट अकेडमी या अनअकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं, जो लोग भी 2022 23 21 में रहे हैं, उन लोग अच्छा पेपर नहीं गया, उनको अगर अभी ऑफलाइन में अगर प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए तो 50% है, yes. है ना, तो 50% डिस्काउंट रखा गया, इसलिए कि चलो ठीक है अभी हम पहली बार ओपन कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर, तो कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए स्टूडेंट लोगों को, ऊपर से कई लोगों का फाइनेंशियल दिक्कतें होती, तो आप लोग इस वाले चीज को भी रखिए कि अगर जिन लोगों को भी अगर पढ़ना है तो आप लोग अगर गेट अकेडमी और अनअकेडमी के प्रीवियस स्टूडेंट हो तो 50% आपके लिए स्कॉलरशिप, तो ऑलरेडी 50% ही आपके लिए फीस है, yes. और उसके बाद भी अगर आप स्कॉलरशिप अगर 100% लगा लेते हैं तो फिर क्या ही बात है। सो इसी के साथ ही हम लोग मिलने वाले हैं 19th को, 19th इंजीनियर्स कॉन्क्लेव के साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट है, पूरे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपसे मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।